क्या है वो सर? तू बोला सर, हमें अंदर कर दीजिए। अंदर कर दीजिए? क्या क्या तुमने? सर हम पिछले एक हफ्ते से रेल और बस में बिना टिकट सफर कर रहे हैं और हमें किसी ने पकड़ा ही नहीं। सर किसी ने चेक भी नहीं किया सर। भाई तुम बिना टिकट पकड़े तो नहीं गए ना, तो जाओ अपना काम करो। सर मेहरबानी कीजिए सर, काम तो हमें मिला नहीं और दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया है। मकान मालिक ने भी कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया सर। खाने के लाले पड़े हैं सर। सर हमें किसी ने कहा है कि हवालात में खाना फ्री मिलता है। अरे बार का माल समझ रखा है क्या? जो आए उसे मैं अंदर कर दूं? सर पर हमने तो बिना टिकट। भैया कोई जुर्म है? जुर्म है लड़की छेड़ना, चोरी करना, जेबें काटना, क्या तुमने कुछ किया है? नहीं सर। सर तो भागो यहाँ से। अरे भाई ये जो सब करते हैं उनको हम नहीं पकड़ते तो तुम्हें कैसे अंदर कर दूं? हवलदार निकल उनको बाहर, न जाने कहां कहां से आ जाते अंदर होने के लिए। चल चल सर, चल सर, 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 प्लीज सर। यार कमाल हो गया, क्या बनेगा इस मुल्क का? यहाँ तो चाहने से कुछ भी नहीं होता यार, अंदर होना भी मुश्किल है। भैया यहाँ तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती, हमें तो जेल जाना है। लड़की इंस्पेक्टर याद है? छेड़े छेड़े सोने हो ओ मैं गया साढ़े वाल भी देखो। क्या करें मेरे भाई, लड़की छेड़ने का चक्कर तो फेल हो गया यार, चोरी करके देखते। आइडिया तो अच्छा है, चोरी करना आसान भी है ना। आपको कोई गलत फहमी हो सर, हमने कुछ नहीं किया सर। सर हम तो गुप्ता साहब की फैक्ट्री से काम करके आ रहे हैं सर। सर प्लीज अबे चुप प्लीज के बच्चे। सर प्लीज सर। सर जाहिर सर इंस्पेक्टर खेम सिंह रिपोर्टिंग। सर सर आपने हुक्म दिया था ना कल रात के दंगों में, हमने दो और को पकड़कर 25 का आंकड़ा पूरा कर दिया सर। अब आप अपनी रिपोर्ट भेज दें। शुक्रिया जनाब। जय हिंद सर।